क्या खा के जा रही है? चाय पराठा जा रही है। चलो ठीक है, जाओ अच्छे से। और दो महीना के अंदर कैमरा भी प्रॉमिस की आएगी, नहीं आई तो देखना मारेंगे पकड़ के इतना ना। तुम भी डाल लो अच्छा खासा, हम जाके वहां मंगा ही लेंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:40 हो रहे हैं। तीन बजे सोई हूँ मैं रात को। बदमाशी करी है इसने, गुगलून ने रात को कल 3 तक सोने नहीं दिया इसने। अपने नानू और मासी से मिलने आई है बिट्टू सुबह सुबह। रात में तुम मम्मा पापा के साथ सोना है कैसे? अभी तुम सॉरी बाबू ये अनसेफ जर्नी। गुगलू मासी को बोला बाय बाय कर दो बेटा। Guys are difficult, but we got to do this. We'll meet again in 2 months. Promise? Yes. Thank you, promise. Thank you. नाश्ते में स्पेशल इंग्रेडिएंट राज ऐड कर रहे हैं आलू भुजिया। वैसे पोहा में गाइस गुड़गांव में ये मैंने चीज़ देखी है कि ऊपर से नींबू तो हर जगह डालते हैं, बट ये आलू भुजिया या फिर किसी तरह की भुजिया डालते हैं एंड बहुत टेस्टी हो जाता है ये पोहा। तो देखते हैं आज हमारे भैया ने पोहा कैसे बनाया है। हमारे कुक भैया वैसे तो खाना बहुत ही अच्छा बनाते हैं। वो इतना पोहा कैसे खाऊँगी राज, मर जाऊँगी मैं, इतना कैसे खाऊँगी। बच्चिक तुम खाओगी? ये बच्चिक मेरा काम आप लोगों की हेल्प करना व्लॉग्स के थ्रू। आप लोग व्लॉग्स देखते हो इतना और सपोर्ट करते हो, तो मुझे लगा एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मुझसे हमेशा ही आप लोग पूछते रहते हो दीदी अपना स्किन केयर, अपना हेयर केयर, अपना बॉडी केयर शेयर करते रहो, सो दैट इज़ द रीज़न मैं आपको बता रही हूँ। तो बेसिकली अगर आपको काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है, मेरे पास एक अमेजिंग प्रोडक्ट है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई हैव ऑल द यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए जो आपको मज़ा भी आएगा देखने में। सो बेसिकली मामाअर्थ ने जो है अपने ओनियन हेयर का जो रेंज था, पूरा हेयर रेंज था, ऑयल था, कंडीशनर था, शैम्पू था, दे हैव रीलॉन्च्ड द होल रेंज एंड उनकी इंग्रीडियंट्स काफ़ी चेंज हुई है पिछले बार से। I'll tell you how. So basically the first product is the onion hair oil Mamaearth ka. I already have it. I have finished one bottle. Let me get it and show you. Oh, this is the onion hair oil. Okay. Hi camera. Hi. Come here. So this is the onion hair oil. ये खाली डब्बा है, ये मैंने use करके finish कर दिया। ये टूट भी गया, like I've used it so much. Finished one bottle. प्रेगनेंसी में मेरा काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था शुरू में, तो मैं इन ओनियन हेयर ऑयल यूज़ कर रही थी। आई फिनिश्ड इट ऑफ एंड नाउ आई एम अगेन यूजिंग इट बिकॉज एज यू गाइज नो आफ्टर प्रेगनेंसी दोबारा बहुत हेयर फॉल होता है, सो आई गॉट दिस वन टू यूज़ अगेन। नाउ ये जो है इसके साथ जो है मामा अर्थ हैज़ यू नो वर्कड ऑन द रीलॉन्च देयर होल रेंज। सो यहाँ पे है जो ओनियन कंडीशनर एंड शैम्पू है, आई एम गेट टू ट्राई दीज, बट ये जो ओनियन शैम्पू है इसकी जो इंग्रीडियंट लिस्ट है काफ़ी चेंज हुई है पिछले बार से। यहाँ पे इम्प्रूव लिखा है, न्यू एंड इम्प्रूव्ड लिखा हुआ है एंड जो कंडीशनर है उसमें भी यही लिखा है। एंड आपको ये एक्साइटिंग मैंने इसलिए बोला, और ऐसा नहीं है कि मैं आज इसको बिना यूज़ करे आपको बोल रही हूँ। सो आई वॉज ऑलरेडी यूजिंग द ओनियन शैम्पू, ये मेरे पास ऑलरेडी है, ये पुराना वाला पैकेजिंग है विद द ओल्ड इन्ग्रीडियंट्स एंड नाउ दिस इज द न्यू पैकेजिंग विद द न्यू इन्ग्रीडियंट्स। सो इसमें मैंने इन्ग्रीडियंट लिस्ट में दोनों को कंपेयर करा, पुराना वाला न्यू वाला, एंड देर आर लॉट ऑफ चेंजेस, न्यू थिंग्स एडेड एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट इज गोना बी अमेजिंग बिकॉज फॉर्मूला अपग्रेड हुआ है। और जब कोई भी प्रोडक्ट का न्यू लॉन्च आता है या फिर अपग्रेडेड लॉन्च आता है तो ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ चेंजेस, देर अमेजिंग चेंजेस दैट हैपन टू द प्रोडक्ट। जनरेशन से हमें ये पता है कि ओनियन ऑयल जो है वो हेयर फॉल
रिड्यूस करने में हेल्प करता है बिकॉज इट हैज सल्फर एंड सल्फर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हेयर फॉल एंड ये काफी ज्यादा आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है, बहुत ज्यादा आपके बालों को यू नो स्ट्रॉन्ग बनाता है जिससे हेयरफॉल कम होता है इंटरनली। आलमंड ऑयल भी है जो स्ट्रेंथनिंग में डैमेज कंट्रोल में हेल्प करता है और आपके बालों को जो ओवरऑल लंबा करने में हेल्प करता है। काफी न्यूट्रिशनल होता है आलमंड ऑयल दैट आई रियली लाइक। सो बेसिकली यू नो मैं कोई भी चीज ऐसे रिकमेंड नहीं करती हूँ, जब मैं इसको यूज करके पूरा सेटिस्फाई हो गई, पूरा बॉटल यूज कर लिया, तब मुझे लगा कि हाँ भाई दोबारा जब मैंने एक बोतल खरीदी है तो मेरे को आपको डेफिनेटली रेकमेंड करना चाहिए, काफी अच्छा काम करता है। ओवरऑल ये काफी न्यूट्रिशनल है बालों के लिए, इसमें रीडेंसाइल भी है जो बालों की डेंसिटी बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। लाइक आपके बालों का जो वॉल्यूम है विथ ओवरऑल यूज एक दो बार नहीं, आप जब पूरा यूज करोगे लॉन्ग प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, मैं 2 से 3 बार ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों को हफ्ते में एंड डेफिनेटली यू गोना सी दैट रिजल्ट। ऑल्सो दे आर ऑल्सो पैराबेन फ्री, क्रूल्टी फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड ऑयल है। इसमें कैस्टर ऑयल भी है जो कि बहुत ज्यादा प्रोटीन्स के साथ फुल होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ, जो कि बालों में काफी ज्यादा मॉइस्चर लॉक करने में आपके स्कैल्प में हेल्प करता है। तो कैस्टर ऑयल इज ऑल्सो नोन फॉर गुड बेनिफिट्स फॉर योर हेयर। सो ये इसकी इंग्रेडिएंट्स थी एंड इट इज अ वेरी अमेजिंग रेंज गाइज। आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई द शैम्पू एंड द कंडीशनर एज वेल। आप बालों में ऑयल लगाइए, ओवर नाइट रखिए तो बहुत अच्छा, नहीं तो 1-2 घंटे लगा के आप ये शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ न्यू एंड इम्प्रूव्ड फॉर्मूला। एंड देखिए मेरी तरह जो लोग जो बिल्कुल चिटचिटा तेल पसंद नहीं करते, इट्स रियली रियली लाइट, लाइक इट्स रियली लाइट। फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो सो माइल्ड, इट्स सो लाइट, एकदम भी चिपचिपा टाइप का ऑयल ये बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स वॉट आई मेक्स मी लव दिस ऑयल मच, क्योंकि मेरे को ज्यादा चिपचिटा ऑयल पसंद नहीं है, उनको शैम्पू से निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। बट इट्स सो लाइट, इजिली आप 1 टाइम शैम्पू लगाओगे इट्स गोज ऑफ कम्प्लीटली एंड मेक्स योर हेयर सो डैम शाइनी। वॉश करने के बाद योर हेयर सुपर शाइनी, सुपर स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग। वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट मामाअर्थ इज दैट दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरमेंट, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो एनवायरमेंट को वो बिल्कुल बहुत ज्यादा यू नो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करें। सो दे हैव प्लांटेड 1 लाख trees by now. They have also distributed 1,000 sanitizers and 2,000 masks to COVID heroes, and also they have recycled 1,135 metric tons of plastic. So 1 metric ton is 1,000 kilos. So बहुत ज़्यादा you know अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कर रहे थे। ऑल्सो लॉन्च देयर न्यू ऐप, मामाअर्थ का ऐप जो है दे हैव लॉन्च्ड इट एंड व्हेन यू डाउनलोड इट, व्हेन यू लॉग इन टू इट, आपको अर्ली सेल्स डिस्काउंट्स, कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च हो रहा है आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा एंड ह्यूज डिस्काउंट्स मिलेंगे। iOS एंड एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। शॉप ऑन मामाअर्थ वेबसाइट दैट इज www.mamaearth.in और देयर ऐप, यू कैन यूज माय कोड ghosh2021 एंड यू कैन गेट 20% फ्लैट डिस्काउंट ऑन योर परचेज। And they're also available on Flipkart, Amazon and Nykaa. So I have linked down all the products in the description box. If you want to check them out, go check them out. मैं अब जा रही हूँ शैम्पू करने के लिए because और मैं अभी शैम्पू यूज भी करूंगी ये वाला। So अब मैं जा रही हूँ शैम्पू करने के लिए एंड शैम्पू यूज करके आपको बताती हूँ इसका कैसा रहा एक्सपीरियंस। So guys, I used the Mamaearth onion shampoo and conditioner today along with the oil. बाल देख रहे हो आप मेरे, स्मूथ सिल्की लग रहे हैं। मुझे याद आया कि आप लोग मेरा खाना पूछते हो मैं क्या खा रही हूँ। तो ये गोटे मसूर की दाल है विथ राइस, बासमती राइस, मिक्स वेजिटेबल सब्जी, आम की चटनी एंड खीर। सो दैट इज व्हाट आई एम हैविंग टुडे फॉर माय लंच। अभी मैंने लंच किया और एकदम से ऐसा लग रहा है कि घर एकदम खाली सूना हो गया है। आज भी अकेले इस रूम में थी, मम्मी वाले रूम में, एंड राज काम कर रहा ऑफिस का और मैं खाना खा रही थी बाहर बैठ के। मम्मी बर्तन धो रही थी क्योंकि मेरी मेड नहीं है अभी, मुझे ये धोने नहीं देते बर्तन, कहते हैं 40 दिन तक तो पूरा रेस्ट लेना है तुम्हें और तुम पानी ज़्यादा छुओगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। आज बहुत घर खाली खाली सा लग रहा है। मेरी बहन मेरे को लंच निकाल के देती थी, पापा मेरे लिए चटनी बनाना, आम काटना डेली लंच में डिनर में, एंड आज लंच में आम नहीं था कटा हुआ। सो छोटी छोटी चीज़ें, घर बहुत खाली लग रहा है। इतने दिन अच्छा लग रहा था कि घर इतना बड़ा हमारा, इसमें 5 लोग अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, रह रहे थे, एंड अभी जब वो चले गए तो ऐसा लग रहा है कि घर काटने को दौड़ रहा है। पूरा खालीपन घर में, पूरा बहुत ज़्यादा खालीपन हो गया है। मेरी आवाज़ भी भारी हो रही है। जो लोग फैमिली से दूर रहते हैं वो लोग ये दर्द जानते होंगे। मैं आज 10 साल से अपने परिवार से दूर रहती हूँ क्योंकि 18 की एज में मैं इंजीनियरिंग करने निकली, मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट करा, फिर मैं गुड़गांव ही मूव हो गई और पिछले 2015 से मैं गुड़गांव में, 6 साल हो रहे हैं मुझे गुड़गांव में।
6 साल से मैं गुड़गांव में हूँ। मेरी लाइफ एक तरह से यहाँ पे सेटल हो गई है पूरी। क्या बोलोगे यार, बहुत मिस कर रही हूँ मैं उनको आज बहुत ज़्यादा। सो पापा वे टू टाइम चल रहा है, मेरा सर भयंकर तरीके से दर्द कर रहा है। बाय द वे मेरे व्लॉग्स आप लोग इतना पसंद कर रहे हो, तो आप लोगों को थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए मैंने कुछ ऑर्डर किया है ताकि व्लॉग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रोवाइज हो जाए। आई थिंक 1 या 2 दिन के बाद के व्लॉग में उसको मैं अनबॉक्स करूँगी आप लोग के सामने और आपको दिखाऊँगी, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी बेटर क्वालिटी व्लॉग्स दे पाऊँ इसीलिए मैंने ऑर्डर किया है। एंड भी तू प्यार करवा रही है पापा से, नींद पूरी हो जाएगी और मैं थोड़ा बेटर फील करूंगी। इसके अंदर ये पहनना है ना, ब्लाउज जैसा, बहुत सुंदर है। आज हम नाश्ते में खाएंगे चाउमीन नूडल्स, भैया बना रहे हैं टेस्टी टेस्टी नूडल्स। गर्दन तो सीधा नहीं होगा जब तक नहीं, गर्दन किस चीज में सीधा होता है, मैं ना होते होते हो जाते। अपना गर्दन होल्ड कर पाएगी मम्मी के बाल देखो, मम्मी के बाल ला 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 ला। क्या राज है तुम्हारे लंबे बालों का। ढेर सारा पानी पीना, हेल्दी फूड खाना, हेल्दी फूड खाना। मम्मी कोई जंक नहीं खाती, कोई जंक नहीं खाती। बाय द वे कल के व्लॉग में आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लाइक 6 घंटे में 10,000 व्यूज हो गए थे। आई वाज सो, मैंने बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरे इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाए एंड फील कर पाए इमोशंस को, लिटरली बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊँ। बट अगर आप व्लॉग्स देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा। सो सब्सक्राइब ज़रूर करना, रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उसके बगल वाला घंटा बजाना फॉर श्योर गाइज, ताकि मेरे जो डेली व्लॉग्स हैं आप लोगों तक पहुँचते रहे। अदरवाइज मेरे व्लॉग्स आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं और व्लॉग जो है वो मिस हो जाएगा। सो एनी विच वेज अभी मैं वेट करी हूँ नाश्ता बन जाए, बहुत ऐसी भूख लगी है, सर भी बहुत दुख रहा है। तो मम्मी ने चाय बनाई है, सो चाय पीऊँगी देन मैं नाश्ता करूँगी देन देखते हैं फिर आके क्या करेंगे। यहाँ कुछ और भी पैकेजेस पड़े हैं, हगीस का पड़ा है, डायपर्स, देन मेरे डॉगीज की दवाई पड़ी है जो फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाई थी, वहाँ डर्माको का एक पार्सल पड़ा है एंड एक पार्सल मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया है। जुगाड़ लगाया है इसके नानू, इसके लिए गिफ्ट में ये लाए थे जो कार सीट होती है, और अब हम टीवी देखेंगे बैठ के, और ये मस्त हमारे साथ इस पे बैठ के हमारे साथ टीवी इंजॉय करेगी। वह कोई भी पैकेज सैनिटाइज होगा पहले, स्पेशली ये तो बेबी का है और खुले में आया है।
सो गाइज मेरे साथ एक चीज़ अभी हो रही है जिसके बारे में मुझे लगा कि मैं व्लॉग आप लोग को अपना फैमिली ट्रीट करके शेयर करती हूँ आपसे, लाइक मेरी लाइफ में जो भी चल रहा होता है, जो भी हो रहा होता है। सो एक बात मुझे पूछनी थी आप लोगों से, लाइक जब से मेरा बेबी हुआ है आई वॉज जस्ट रीडिंग अ पोस्ट, मैं बहुत अजीब सा रिएक्ट करती हूँ, बहुत अजीब सा बिहेव करती हूँ, जो मुझे खुद भी रियलाइज होता है दैट इज नॉट माई नॉर्मल सेल्फ। शुरू शुरू में मुझे लगा कि ये बेबी ब्लूज है, बेबी होने के बाद आप कुछ टाइम के लिए ऐसे बिहेव करने लगते हो, आपको इमोशंस जो है वो कंट्रोल में नहीं रहते। बट आई वॉज रीडिंग अ पोस्ट बाय माई डियर फ्रेंड, शी हैज एन इंस्टाग्राम अकाउंट रेजिंग शान श्रेया, सो शी हैज बीन अ सर्वाइवर ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन। सो उसने एक पोस्ट डाला था जहाँ पे शी मैंशन द सिम्टम्स की पोस्टमार्टम डिप्रेशन का सिम्टम्स क्या है। इंडिया में मेजॉरिटी लोग जो है इस बारे में बात ही नहीं करते, समझते ही नहीं है कि डिलीवरी के बाद जो है मदर्स पोस्टमार्टम डिप्रेशन से भी गुजरती हैं, और अभी मुझे वो फील हो रहा है। सम सिम्टम्स दैट आई कैन रिलेट टू जो उसने अपने पोस्ट में डाली थी, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर रिएक्टिंग। सो मैं आजकल बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैं हर बात पर रो देती हूँ, दो अभी बहुत कंट्रोल हुआ है पहले से, पर मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, ओवर रिएक्ट करती हूँ उन सिचुएशंस पे जहाँ पे मुझे नहीं इतना रिएक्ट करना चाहिए, जहाँ पे मेरा रिएक्शन बहुत नॉर्मल होना चाहिए वहाँ पे बहुत ओवर रिएक्ट करती हूँ। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द बेबी, दुख के साथ बोल रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझे अभी होना चाहिए था इंटरेस्ट, या जितना मुझे बोलते हैं ना मदर पागल हो जाती है बच्चे को देख के एकदम ऐसे वैसे फलाना टीम का, बहुत सारा इमोशंस फीलिंग्स मेरे को डे वन में जैसे इसके लिए हो रहा था ना, वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरे को ऐसे नहीं हो रहा है, आई जस्ट डोंट फील द सेम वे, जबकि मैंने इसको 9 महीने अपने पेट में रख के पैदा किया है, जन्म दिया है, इसके लिए अपना खून बहाया है, इससे इतना प्यार करती हूँ। बट आई थिंक दैट जो इमोशंस मैंने सुना था कि लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो इमोशंस मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही हूँ। अगर कोई मेरी मम्मी इसको टेक केयर करती है, मेरे पापा टेक केयर करते हैं, तो हम ओके कि हाँ ठीक है आप लोग टेक केयर करो, विच इज़ गुड कि कोई और टेक केयर कर रहा है तो आप उस चीज़ को ले रहे हो अच्छे से। बट जो बोलते हैं ना अपने बच्चे को देख के बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो जाना या खो जाना या ऐसा कुछ हो जाना, आपको एकदम दिमाग खो जाए आपका, वो सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही है। इंसोमनिया एक और उसमें वो था सिम्टम। सो रात को तो मेरी नींद कम होती है बेबी की वजह से, बट दिन में भी जब मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो मैं सो नहीं पाती हूँ, जिसकी वजह से आप मेरे आँखों के नीचे अभी डार्क सर्कल्स देख पा रहे होंगे। अगर आप मेरी पहले की वीडियोज़ देखोगे तो आप देखोगे मेरे को डार्क सर्कल्स वगैरह कभी भी नहीं थे, बट अब मेरे को डार्क सर्कल्स हो रहे हैं जो कि आप देख सकते हो। एंग्जाइटी वो ओवरवेल्म फील करना हमेशा मेरे साथ हो रहा है, एंग्जाइटी नहीं हो रही है, ओवरवेल्म फील करना, छोटी छोटी चीजें जो खुशियां देती हैं उनको देख के खुश नहीं होना, ये भी मेरे साथ हो रहा है। बिकॉज मुझे पागल हो जाना चाहिए खुशी से कि मेरे को मेरी डॉटर मिल गई, मैंने हमेशा से भगवान से प्रे ही यही किया था कि मेरे को भगवान जी डॉटर देते हैं, और अब जो डॉटर मिली है तो मेरे को लगता है मैं वैसे फील नहीं कर रही हूँ जैसे मुझे करना चाहिए था। सो जितने भी मेरी व्यूअर्स में मदर्स हैं या जो मेरे वीडियो देख रही हैं जो माँ हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, इसमें से कोई सिम्टम आपने एक्सपीरियंस किया है, क्या आपने साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली, बिकॉज आई एम थिंकिंग मैं नहीं चाहती ये सब चीज़ें बढ़े और मेरे मेंटल हेल्थ के ऊपर टेक ओवर करें, बिकॉज कुछ साल पहले आई वॉज अ पेशेंट ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन, सो आई जस्ट डोंट वॉन्ट, मेरा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा था डिलीवरी से पहले, बट अभी ये सब चीज़ें हॉर्मोनल है एंड हॉर्मोन्स की वजह से हो रही हैं, बट आई रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस। सो मैं सोच रही हूँ कि इस वीक मैं किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करूँ, मेंटल हेल्थ के लिए अपने बात करूँ, ये सब जो मुझे फीलिंग्स है मैं हेल्प लूँ किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से। सो दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज, डिड यू एज मदर फील ऑल दिस थिंग्स वेन यू गेव बर्थ टू योर बेबी, एंड ऐसे भी एनी विच वेज चलो ये तो बात हो गई। घर बहुत ज़्यादा खाली लग रहा है, मम्मी और मैं यहाँ पे लेटे हैं, एंड मम्मी लेटी है, आशवी भी यहीं पे है, ये सारी चीज़ें एकदम मेस्ड अप है, प्लीज़ डोंट जज अस, बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि रात सुबह से लेके शाम तक ऑफिस, अभी उस वो फ्री हुआ है, रात की 9:30 बज रहे हैं, वो बहुत बिजी रहता है और वो फ्री होते ही डॉगीज़ को खाना देने निकल गया है, तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। बट मैं और मम्मी रह गए हैं, बस
ना चाहते हुए भी किचन में 40 दिन नहीं घुसना होता है। दो मेरे कुक भैया जो है वो खाना बना रहे हैं, बट हर चीज़ के लिए मम्मी को मैं नहीं बोल सकती क्योंकि वो आश्वी का टेक केयर करती है। सारा दिन आश्वी की मालिश, आश्वी के बाद आश्वी के कपड़े धोना, मैं बैठ के नहीं धो सकती कपड़े, और उसके कपड़े हम वॉशिंग मशीन में नहीं धो रहे हैं क्योंकि बाकी कपड़े उसमें धुलते हैं, उसमें मेरे छोटू के बाल भी रहते हैं मोस्टली सारे कपड़ों में, सो दैट इज़ अ रीज़न इसके कपड़े हाथ से धोते हैं। मैं बैठ के धो नहीं सकती तो मम्मी सारे कपड़े धोती है एंड देन बाकी सारा काम करती है। आश्वी की बॉटल्स वॉश करना, बॉटल्स स्टरलाइज करना, फलाना डेम का। हाँ